नूह जिले के फिरोजपुर झिरका में जुनैद नासिर हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन में रोड जाम के आरोप में पुलिस ने 600 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। नूह एसपी वरुण सिंगला ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि फिरोजपुर झिरका में शांतिपूर्ण तरीके से रोष प्रकट करने की परमिशन ली गई थी, जो काफ़ी हद तक तो रोष प्रकट किया गया, लेकिन कुछ देर बाद वह रोष प्रकट एक विशेष प्रदर्शन में बदल गया, जिसके चलते कुछ लोगों द्वारा मेन हाईवे अंबेडकर चौक को करीब आधे घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया, जिससे राहगीरों को परेशानी हुई। इसके तहत पुलिस ने एक नामजद व 600 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नूह एसपी वरुण सिंगला ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पुलिस अपना कार्य ईमानदारी से कर रही है, आप मेवात क्षेत्र में अमन शांति बनाए रखें और सोशल मीडिया पर अफवाहें ना फैलाएं। नूह से एमटीवी हरियाणा के लिए मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसके अंदर मुकदमा दर्ज करना यह पुलिस की एक नैतिक भी एवं कानूनी एक जिम्मेवारी बनती है। तो उसी तर्ज पे जो कल यहाँ का हाईवे जाम रहा है उस पर एक मुकदमा अभियोग दर्ज अंकित किया गया है। इसमें जो अवहेलना प्रथम दृष्टया हुई थी, जो परमिशन ली गई थी, उसमें ये कहा गया था कि शांतिप्रिय तरीके से हम जो अपना प्रोटेस्ट मार्च करेंगे, जो कि किया भी गया था, लेकिन उसके बाद वो प्रोटेस्ट मार्च एक फ्लैश मॉब के रूप में कन्वर्ट हो गए और जिस प्रकार से अंबेडकर चौक पे 30-35 मिनट उन्होंने जाम किया और इनकन्वीनियंस टू लोग हुए जो जितने भी ट्रैफिक व्यवस्था थी, तो उसके संबंध में एक मुकदमा ड्यूटी मजिस्ट्रेट की शिकायत पर दर्ज किया गया। कितने तो लोगों क्या के खिलाफ? उसमें पुलिस कर्मियों के अधिकारियों के साथ भी कुछ अभी व्यवहार भी किया गया है? खाली रोड जाम करने का ही मुकदमा क्या अन्य भी है उसमें कुछ आ रहा है? देखिए उसमें जो जितना भी उसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो पॉइंट्स रखे गए थे, उन संबंधित सभी मामलों में जो कानून की जो परमिशन की जो अवहेलना है उससे संबंधित धाराएं उसमें लगी हैं, तो उन पे उन संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। कितने लोगों को नामजद किया गया और अन्य कितने? इसमें एक नामजद है और 500 से 600 अन्य है। सोशल मीडिया पर भी सोशल सोशल मीडिया पे जो युवा वर्ग जो इस प्रकार से अपनी बात रख रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि वो इस प्रकार से किसी भी हेट स्पीच को बढ़ावा ना दें और हमें इस तरह के माहौल में चाहिए कि हमें शांति बनाए रखने के लिए हमें अपील करनी चाहिए, ना कि लोगों को उकसाने और भड़काने के लिए। तो मेरी ये अपील है और इस इन सभी वीडियोस के संबंध में जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो हम अपनी तरफ से अमल में ला रहे हैं और इस कंटेंट को डाउन करने की जो बात है उसके लिए भी हम विचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एरिया में अमन शांति बनी रहे, साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो उस हत्याकांड के जो जो विक्टिम रहे हैं उनको पूरी तरह इंसाफ मिलना चाहिए। इसमें नूह पुलिस पूरी पूरी तरह से मेवात की जनता के साथ